पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोटर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जाट वोटरों को लुभाने के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं के साथ बड़ी बड़ी मीटिंग भी की थी, लेकिन पहले की स्थिति क्या रही है जरा समझिए। 2014 के ये लोकसभा चुनाव के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं कि जाट किसके साथ खड़ा था। देखिए 2019 में लोकसभा चुनाव में 91% जाट मतदाताओं ने बीजेपी को वोट किया था। 2017 का यह आंकड़ा हम ठीक करेंगे। आपको बता दें यहां पर भी 2014 और 2019 जैसी ही बड़ी तादाद में यहां पर वोट किया था जाट मतदाताओं ने, और 2014 में 77% जाट वोटरों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया था। लेकिन इस बार की पश्चिमी यूपी की स्थिति इसलिए अलग है क्योंकि वहां पर जिस तरह से आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, माना जा रहा है कि सेंधमारी की कोशिश में ये दोनों ही बड़े नेता लगे हुए हैं। यही कारण है कि वहां पर लगातार हुंकार भरते हुए जयंत चौधरी नजर आ रहे हैं, और उनका ये कहना है कि जो पुरानी गलतियां जाट वोटरों की ओर से की गई हैं, इस बार उस तरह की स्थिति नहीं बनेगी। आपको बता दें 17% पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 17% जाट है वहां पर, हालांकि मुस्लिमों की भी बड़ी तादाद है 27%। 2017 की स्थिति 13 जाट विधायक चुने गए थे जिनमें भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायक थे, इस बात से समझिए। और इन 12 विधायकों में कई चेहरों को मंत्री भी बनाया गया। 13 जाट विधायक चुने गए थे जिनमें बीजेपी के 12 विधायक थे और 3 जाट योगी सरकार में मंत्री बने। अगर मुस्लिम फैक्टर की हम बात कर लें, जल्दी से आपको दिखाते हैं मुस्लिमों का आंकड़ा भी। आपको बता दें 27% मुस्लिम वहां पर ये निर्णय करते हैं। हालांकि 2017 की स्थिति ध्रुवीकरण वाली थी, बीजेपी को एकमुश्त वहां पर वोट पड़े थे, इस वजह से वहां पर चारों तरफ 58 में से 50 से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी ने ही हर तरफ कमल खिलाया था। लेकिन 2022 की स्थिति थोड़ी इस बार बदली हुई नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि 2017 की तरह ही वोट हमें मिलेंगे क्योंकि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी ने वहां की जनता के दिलों को जीतने की कोशिश की है। यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं 58 सीटों पर 27% मुस्लिम वहां पर निर्णय करते हैं, और यहां पर कितने मुस्लिम उम्मीदवार हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें एसपी आरएलडी के 12 उम्मीदवार हैं, कांग्रेस पार्टी के 11 उम्मीदवार हैं, बीएसपी ने 15 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है। और यहां पर भी आपको बताते चले, खासतौर से मुजफ्फरनगर की बात करें तो वहां पर जितनी भी सीटें हैं समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने एक भी सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा है, जबकि टोटल पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर 12 मुस्लिम उम्मीदवार समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन की ओर से उतारे गए हैं। और यहां पर जातीय समीकरण पश्चिमी यूपी का आपके सामने है। मुसलमान 27% हैं, दलित 25% हैं, जाट 17% हैं, राजपूत 8%, यादव 7% और गुर्जर 4% हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं पश्चिमी यूपी का जातीय समीकरण, और इस जातीय समीकरण को साधने की कोशिश में लगातार पार्टियां लगी हुई हैं। अब जातीय समीकरण की बात करते हुए सबसे पहले अपने स्टूडियो का ही रुख करना चाहूंगी, और विजय त्रिवेदी जी, ये जो जातीय समीकरण है, देखिए मौजूदा परिस्थितियां यहां पर बदली हुई हैं, लेकिन बीते जो 3 चुनाव हैं जाट लगातार भरोसा कर रहे हैं बीजेपी पर, और बीजेपी ध्रुवीकरण की कोशिश में एक बार फिर से लगी हुई है पश्चिमी यूपी में। हालांकि वो कितनी कामयाब होगी ये देखना होगा, लेकिन कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, इस बात को स्वीकार करना होगा। बिल्कुल ठीक बात है, कानून व्यवस्था तो है ही, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर 10 तारीख को 58 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, वहां पर जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। पिछले चुनाव को आप याद रखें कि 2017 में से 58 में से 53 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की, 53 सीट्स, और पूरा का पूरा पॉलिटिकल पैराडाइम बदल दिया उन्होंने, कि जो हम लोग बहस किया करते थे कि माइनॉरिटी जो है वो डिसाइसिव होता है, वो डिसाइड करता है कि कहां जाना है, उन्होंने सारी माइनॉरिटी सीट का पैराडाइम को बदल दिया, और जितनी माइनॉरिटी सीटें थी उन पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। बिल्कुल, इस बार स्थितियां बदली है, माइनॉरिटी सीट्स या मुस्लिम जो है वो जाट के साथ जा रहा है, या जो आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है वो कितना उसमें मदद करेगा, और कितना मुसलमान के साथ जाट आता है वो कॉम्बिनेशन भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाता है। लेकिन इसमें एक पेच और है, आपने जैसे अभी जिक्र किया, समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने और बहुजन समाज पार्टी ने, तीनों ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, तो वो तीनों मुस्लिम उम्मीदवार क्या भारतीय जनता पार्टी की मदद करेंगे? एक ही वोट बटेगा तो मदद करेंगे, तो वो एक तरह से इनडायरेक्ट मदद हो गई कि यदि वहां पर मुसलमान बीएसपी का भी हो, एसपी आरएलडी का भी हो, या कांग्रेस का भी हो, तीन हो, क्योंकि मैंने सारा इक्वेशंस देखा था तो उसमें करीब करीब
30% से ज्यादा सीट ऐसी हैं जहां पर मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा सकते हैं बीएसपी के कैंडिडेट की वजह से। अब वो बीएसपी कह लें या एसपी कह लें, क्योंकि बीएसपी वाले नाराज होंगे कि आप हमारे लिए क्यों कह रहे हैं, किसी का भी कैंडिडेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मददगार हो सकता है।